हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। आज की जो हमारी नई वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि 2023 ख़त्म होने से पहले आपको कौन सी चीज़ें जो है करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे कौन सी चीज़ें जो आपको इस ईयर यानी कि 31 दिसंबर 2023 ख़त्म होने से पहले करनी है। तो सबसे पहले जो है बिलेटेड ITR एनुअल ईयर 2023 और 2024, यानी कि जो भी आपकी भी रिलेटेड ITR है उसकी जो लास्ट डेट है वो 2023 है। अगर आपका फाइल फॉर TDS रिफंड, कोई भी आपका रिफंड बन रहा है तो उसको क्लेम करने के लिए आपको इसी ईयर करना पड़ेगा दिसंबर ख़त्म होने से पहले। इसी के साथ अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कार लोन या फिर कार लोन, तो उसके लिए आपको इस ईयर में ही करना ज़रूरी है। उसके बाद इफ़ यू गॉट ए कैंपेन नोटिस, यानी कि जो भी है लोगों को क्या हो रहा है कि एक कैंपेन का नोटिस आ रहा है, तो उस चीज़ को भी जो भी उसका फाइल है ITR उसको भी आपको इस ईयर ख़त्म होने से पहले आपको करना पड़ेगा। उसी के साथ इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन 2.5 लाख, यानी कि आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो आपको उससे पहले जो है आपको इस साल के ख़त्म होने से पहले ITR फाइल करनी पड़ेगी। सेकेंड हम बात करते हैं डीमैट नॉमिनी फॉर स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड, यानी कि अगर आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें वर्क करते हैं, तो क्या है कि आपको 31 दिसंबर 2023 ख़त्म होने से पहले उसमें नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है, जो आपका जो डीमेट अकाउंट है या जो भी म्यूचुअल फंड अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। तो आप ये कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आप डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं तो आप CDSL या NSDL जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें लॉगिन जाकर आप चेक कर सकते हैं। और वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आप MF सेंट्रल की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नॉमिनी है वो ऐड है या नहीं है। उसके बाद थर्ड है आपका कि UPI ID डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपने बहुत सारी UPI ID बना रखी है और उसमें से कुछ UPI ID आपने एक साल से ऊपर क्या यूज़ नहीं करी है, तो वो ID आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप उसमें कोई भी मनी रिसीव या पेमेंट आपका ऐसा कोई भी नहीं हो रहा है वन ईयर से, तो उसमें क्या होगा, वो ID अब आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर आपकी जो भी UPI ID है आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करी है तो एक बार उसको चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ वो 31 दिसंबर 2023 में डीएक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद है लॉकर एग्रीमेंट, एक और है, फोर्थ पॉइंट है आपका लॉकर एग्रीमेंट। इसमें क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पहले ही एक डेडलाइन या फिर एक नोटिस अलाउ कर दिया था कि आपको जो है आपको रिन्यूअल एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। आपके जो भी लॉकर्स हैं उसके लिए एक नया एग्रीमेंट होगा, तो वो आपको साइन करना है। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो आप अभी ये प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका जो भी लॉकर है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। उसके साथ लास्ट आपका है कि फ्री अपडेटेड आधार आपका जो भी है उसको अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि इसमें क्या है कि सरकार की तरफ से जो है लास्ट अपडेट अब पहले जो था अभी दिसंबर 14 2023 के लिए कर दिया था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 14 मार्च 2024 कर दिया है। तो इससे पहले जो भी आधार कार्ड में आपको जो भी मॉडिफाई करना है, एड्रेस डिटेल्स या कुछ भी है, तो आपको वो करना पड़ेगा अभी 2023 के एंड खत्म होने से पहले। उसी के साथ अगर आप अभी करते हैं तो आपका INR 50 के चार्जेस लेंगे जो आपका आधार सेंटर में हो जाएगा। तो ये पांच चीज़ें थी जो आपको 2023 ख़त्म होने से पहले करनी है, अदरवाइज़ आपको मुश्किल हो सकती है। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। तो जैसा कि दिसंबर शुरू हो चुका है और GST डिपार्टमेंट की तरफ से दो नोटिफिकेशन आ चुकी है,